वेलकम बैक टू लास्ट एंड ऑफ सर्वाइवल। तो आज हम फिर खेलने वाले लास्ट एंड ऑफ सर्वाइवल, और आज मैं आया हूँ बायो रिसर्च लैब पे। तो आज अपन बायो रिसर्च लैब को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है। न्यू प्लेयर्स के लिए आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है, तो यहाँ पे स्पेशली है ईजी मिलता है, जिससे आपको ऑयल रिफाइनर मिल जाएगा। ठीक है, एक से दो बार किल करोगे तो आपको ऑयल रिफाइनर मिल जाएगा, और रैंक सर्वाइवल में खेलोगे तो आपको यहाँ पे जो ईजी से है, जो अपना सेफ स्लॉट है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार ईजी को किल करोगे तो आपका एक सेफ स्लॉट ओपन हो जाता है। तो इसलिए इस जगह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इस जगह को थोड़ा जानना पड़ेगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। और यहाँ पे दो रूम पाए जाते हैं, एक है ग्रीन रूम जो परमानेंट हमेशा रहेगा, और एक होता है ब्लू, और दूसरा तीसरा है नहीं पर्पल रूम। ठीक है, ये जो रूम है चेंज होते रहते, पर्पल और ब्लू रूम हमेशा चेंज होते रहेंगे। और सप्लाई चेस्ट तोड़ते रहना, सप्लाई चेस्ट जब भी मैं यहाँ पे तोड़ता हूँ, ठीक है, एक या दो दिन के अंदर मुझे यहाँ पे SMG देखने को मिल जाता है। अब चूंकि ये सोशल सर्वर है तो यहाँ पे SMG का कोई काम ही नहीं है, पूरा AR से चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस आपको ऊपर आ जाना है। ग्रीन रूम का थोड़ा मुश्किल लगता है मुझको यहाँ पे, क्योंकि बहुत अंदर जाना पड़ता है, तब तक रेडिएशन चढ़ जाता है। लेकिन पर्पल रूम या ब्लू रूम जो बाहर है तो उसका आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे एक चीज़ है, आपको यहाँ पे दो दो डिसमेंटलर देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक खास चीज़ देखने को मिलेगी जो कि है कोड। ठीक है, तो आपको आगे दिखाऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ पे रूम कार्ड है नहीं मेरे पास, इसलिए इसको खामखा छेड़ते नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन रूम है, वैसे वायर डाल कर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे रूम कार्ड नहीं है। ठीक है, मेरे पास यहाँ रूम कार्ड नहीं था, तो अपन चलते हैं अभी आपको कोड दिखाने। ठीक है, जो कोड वाला जो रूम होता है उसको आपको दिखाने चलते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर चढ़े जाना है तुरंत यहाँ से, और हाँ यहाँ पे रेडिएशन आपको देखने को मिलेगा, आप मास्क पहन के आ जाना, बिना मास्क के आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये है पासवर्ड वाला कोड, यहाँ पे आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना रहता है, जो आपको एक टोकन मिलता रहेगा उसी से। इसके ऊपर अगर चाहते हैं तो वीडियो बनाओ, क्योंकि ये बहुत स्पेशल एक चीज़ है। यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हो, देखो ऑटोमेटिकली कुछ भी नंबर आए, तो यहाँ पे 0 है पूरा, तो आप नंबर डालो जो भी आपके पास नंबर हो, जो पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है, तो उसको आपको देना है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं यहाँ पे 1-1 लिख रहा हूँ पूरा, लेकिन ऐसा नहीं लिखना, अपने को एक नंबर, जैसे एक पासवर्ड होता है ना, तो उसको ना आप यूज़ करोगे तो एक कोड देगा, बस उसी कोड को यहाँ पे टाइप करते रहना है, तो उससे ये जो है अनलॉक हो जाएगा डोर। ठीक है, इसके वजह से करना है, तो ये वाला डोर जो है ओपन हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ से भारी लूट मिलता है, बहुत गजब का लूट मिलता है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ठीक है गाइस, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, आप बस रूम पे ध्यान देना, क्योंकि ये चीज़ें आपको इजीली मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है सही से, अगर नहीं डाल पाए तो गलत हो जाएगा और छीन हो जाएगा आपके साथ। ठीक है, इसलिए इसको ऐसे फालतू में कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी अपने ब्लू रूम फ़िलहाल, और उसके ब्लू रूम नहीं मतलब अभी पर्पल रूम आया है, और जब मैं सर्वर खेल रहा हूँ, ठीक है, जो अपना 303 सर्वर है, ठीक है, उस सर्वर पे अपने को अभी है पर्पल रूम की जगह पे ब्लू रूम। ठीक है, अभी जो रैंक सर्वर चल रहा है, तो जब तक ये वीडियो अपलोड होगी शायद सर्वर ख़त्म हो जाएगा, तो 030 जो अपना सर्वर का नाम है सियानिक्स पे है, तो जो सर्वर है उस सर्वर पे अभी इस जगह पे, ठीक है, जो क्या बोलते हैं अपने बायो रिसर्च है, तो यहाँ पे अपन क्या है वो पर्पल रूम की जगह पे ब्लू रूम है। ठीक है, तो फिर एकदम सामने है पर्पल रूम, तो इसको तुरंत जाके ओपन कर लेना, भारी लूट मिल जाएगा। और यहाँ से मैं चलता हूँ ऊपर, और हाँ यहाँ पे दो डिसमेंटलर है, पहले एक दिखा दिया था डिसमेंटलर, और एक डिसमेंटलर आपको बस इसके नीचे देखने को मिलेगा, मैं आपको अभी दिखा दूंगा, तो टेंशन ना लो। यहाँ पे दो डिसमेंटलर आपको पूरे मैप में बस एक ही जगह देखने को मिलेगा, तो वो भी यही पे है। अब एडवांस एमो चेस्ट तोड़ लेते हैं, यहाँ पे नॉर्मल चेस्ट तोड़ते हैं, और यहाँ पे छोटे मोटे चीज़ों को तोड़ लेते हैं, और यहाँ पे आपको ना वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दो दो स्पिरिट मॉन्स्टर देखने को मिल जाएंगे दोनों साइड पे, तो यहाँ पे जो भी वेज बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। अगर यहाँ पे किसी तरह पर्पल रूम आ जाता है, ठीक है, तब यहाँ पे फ़ायदा होता है, अगर ब्लू रूम होता तो उतना फ़ायदा नहीं होता, लेकिन हाँ फ़ायदा तो होता ही है, छोटा मोटा सही, बट हाँ होता है। यहाँ पे आपको अगर पर्पल रूम ना हो तो यहाँ पे कोने पे रहेगा आपका जो है रूम कार्ड पर्पल वाला। ठीक है, और आपको एक 11 वो दिखा देता हूँ डिसमेंटलर,
तो देखो ये वाला दूसरा डिस्पेंसर इसके अंदर है, लेकिन यहाँ आपको लेवल 2 के मास्क के साथ ही आना पड़ेगा, तब भी आपको रेडिएशन चढ़ेगा ही, तो इसलिए आप यहाँ पे बैठ नहीं सकते। और जो ग्रीन रूम वाला जो सेक्शन, मतलब वो वाला सेक्शन जहाँ जो पहला वाला दिखाया था, वहाँ पर भी आप जाके बैठ नहीं सकते गाइस, ठीक है। इसके अंदर आपको रेडिएशन चढ़ता जाएगा, इसलिए आप नॉर्मली गैरेज के पास में जाके डिसमेंटल करो तो सही रहेगा, यहाँ थोड़ा अनसेफ रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना वीडियो होने वाला कंप्लीट, और अभी तक तो वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके प्ले लिस्ट को आप सिलेक्ट करना ज़रूर भूलना मत, और शेयर कर दो अपने दोस्तों में गाइस जो भी लास्ट एंड ऑफ सर्वाइव खेलते हैं, और सर्वर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना, पता नहीं कब वीडियो अपलोड होगा और कब आप सर्वर ज्वाइन कर पाओगे, तो इस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करना, और हाँ लाइक करना सब्सक्राइब करना। तो जो भी अपना काम है मैंने कर दिया है, बोल दिया है, आप सभी ने वीडियो देख लिया है, तो चलो गाइस मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।